ले लिया। बिल्कुल टूट चुका है दोस्तों। एक बच्चा ये है, आई थिंक ये बच्चा वो है जो दोस्तों इसने ना कल निकाला था, ठीक है। और दूसरा बच्चा भी ना तकरीबन दोस्तों निकल चुका था, अभी ये उठ नहीं रही। अभी दोस्तों इसको डिस्टर्ब नहीं करते। जो हमारा पहला मुर्गा था दोस्तों, लसानी क्लास वाला वो मुर्गा जो इसको पकड़ रही है, हमारा डॉन है, वो भी हमारे सेटअप से चला गया है। उसकी जगह भी न्यू बर्ड दोस्तों आ गए हैं हमारे सेटअप पर। दोस्तों तकरीबन एक दो तीन चार पाँच मुर्गे मुर्गियाँ न्यू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी हमारे देखिए बर्ड ने कितना शोर मचाया है सवेरे सुबह सुबह ना दोस्तों। ऐसे ही होता है, हमारे कौन से पैरट होते हैं वो अपनी ही मस्ती में लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। जैसे अभी अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, अपनी अपनी फीमेल के साथ हैं, अपनी अपनी जोड़ियाँ बनाई हुई हैं और अपनी अपनी ब्रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब ये इतनी मस्तियाँ नहीं करते, अब ये क्या करते हैं, अब अपनी ये ब्रीडिंग की तैयारियाँ करते हैं। जो जोड़ियाँ नहीं लगी वो जोड़ियाँ लग रही हैं। हमेशा अपनी मटकियों के आसपास ही होती हैं, अपने बच्चों की देखभाल के लिए या अंडे देने के लिए या नेस्ट बनाने के लिए। तो यही आजकल की सूरत हाल चल रही है। तो दोस्तों कल क्या था दोस्तों, कल हमारी कबूतरी ने एक बच्चा निकाला था और एक अभी अंडा पड़ा हुआ था। तो आज इंशाल्लाह ताला उसने शायद निकाल दिया। अभी मैंने चेक तो नहीं किया, मैंने अपने सारे कबूतरों को दोस्तों खोल दिया, ठीक है। अभी हमारी बेवफा कबूतरी अंदर बैठी हुई है और वो ही फीमेल बैठी है जिसने बच्चा निकाला है। तो अभी जाकर चेक करते हैं कि हमारी फीमेल ने दूसरा बच्चा निकाला है कि नहीं निकाला। आई थिंक निकाल दिया होगा, अभी तक तो उसको निकाल देना चाहिए था। तो अभी चेक कर लेते हैं कि उसने दूसरा बच्चा निकाला है कि नहीं निकाला। अभी तक दोस्तों ऊपर ही बैठी हुई है, अभी इसका बनता भी है ऊपर बैठना दोस्तों, क्योंकि बच्चा आ गया ना तो ऊपर बैठना चाहिए इसको। देखिए माशाल्लाह दोस्तों अंडा तो टूटा हुआ सारा, अब पता नहीं बच्चा निकाला है कि नहीं निकाला, चेक करता हूँ मैं। देखिए एक बच्चा नज़र ही आ रहा है और दूसरा वो कौन सा अंडा है जो ना सारा टूटा हुआ है, उसके अंदर से ना बच्चा निकला तो होगा, उठ ही नहीं रही। देखिए दोस्तों इतना मैं बता दूंगा, देख रहे आप अंडा आपके सामने है और देखो टूटा हुआ है। कल वाला दोस्तों आगे पड़ा हुआ है, वो देखे मैं आपको दिखाता हूँ। कल वाला अंडा ये पड़ा हुआ है और एक अंडा ये है, अब उसको नीचे ले लिया। बिल्कुल टूट चुका है दोस्तों। एक बच्चा ये है, आई थिंक ये बच्चा वो है जो दोस्तों इसने ना कल निकाला था, ठीक है। और दूसरा बच्चा भी ना तकरीबन दोस्तों निकल चुका था, अभी ये उठ नहीं रही। अभी दोस्तों इसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो बेवफा कबूतरी हमारे सामने बैठी हुई है। तो दोस्तों समझ लें कि ये बच्चा निकला हुआ है, अब ये फीमेल उठ नहीं रही, तब भी नहीं उठ रही क्योंकि बच्चा निकलने वाला है। क्योंकि क्या है दोस्तों, अभी कबूतरी ऊपर बैठी है, अंडा पूरा का पूरा टूट चुका है, एक साइड से पूरा टूट चुका है। बस दोस्तों समझ लें कि दो बच्चे हमारी कबूतरी ने निकाल दिए हैं, मतलब कि जो पहले कौन सी हमारी कबूतरी थी बेवफा कबूतरी, उसने बच्चे नहीं निकाले थे, उसकी कसर हमारी इस कबूतरी ने निकाल दी है कि दो दो बच्चे एक साथ ही निकाल दिए हैं। बाकी सारे कबूतर दोस्तों हमारे यहाँ पर फिर रहे हैं, बिल्ली देख लेते हैं यार, बिल्ली यहीं पर फिरी होती है। सुबह भी बिल्ली आई थी तो मैंने उसको भगाया था, अभी तो बिल्ली यहाँ पर नहीं है, देखिए बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। तो कबूतरों भाई उधर चलो, इनके दोस्तों डर ही लगा रहता है, ये कब इधर आते हैं ना। दो चार पाँच है, छः और दो अंदर हैं, ठीक है, आठ पूरे हो गए, ठीक है। और दोस्तों आज बहुत सी गुड न्यूज़ है, वो मैंने आपको दिखानी है। बहुत से बर्ड दोस्तों हमारे सेटअप पर आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों हमारा ये सारा सेटअप खाली था, अब दोस्तों हमारे ये तीनों केज भरे हुए हैं। तीनों केज में हमारे बर्ड्स हैं और तीनों केज में दोस्तों मुर्गे न्यू वाले हैं, पुराने वाले सारे चले गए हैं। जो हमारा पहला मुर्गा था दोस्तों, लसानी क्लास वाला वो मुर्गा जो इसको पकड़ रही है, हमारा डॉन है, वो भी हमारे सेटअप से चला गया है। उसकी जगह भी न्यू बर्ड दोस्तों आ गए हैं हमारे सेटअप पर। दोस्तों तकरीबन एक दो तीन चार पांच मुर्गे मुर्गियाँ न्यू आए हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो बर्ड जो दोस्तों मेरे पुराने बर्ड से, जो मैंने कहा था मेरे दोस्त के पास है, जो दो महीने बाद मैं अपने सेटअप पर लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ जो इस केज के अंदर बंद है माशाल्लाह से, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखे माशाल्लाह दोस्तों, ये वो दो बर्ड है दोस्तों जो मेरे दोस्त के पास थे दो मंथ से, मतलब के ईद पे मैंने दिए थे इनको। अभी माशाल्लाह देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। अभी इनको बाहर निकलने देते हैं ना, फिर आपको अच्छी तरह नज़र आ भी जाएगा। अभी इनको दोस्तों मैंने खोल दिया, अभी बाहर आएंगे तो फिर आप अच्छी तरह देख भी पाएंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखिए माशाल्लाह, ये वो दो बर्ड हैं दोस्तों जो मेरे दोस्त के पास पी रहे थे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने और बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये दोस्तों हमारी ना चीनी मुर्गी के बच्चे हैं, चीनी मुर्गी हमारी अंदर है ना, ये दोनों उसके बच्चे हैं। अभी इनको खोला हुआ है, अभी मैंने बाकी मुर्गियों को नहीं खोलना ठीक है, क्योंकि यार फिर ये इसको ये डर जाते हैं, वो मारेंगे, वो बड़े भी हैं वो फिर मारेंगे, ये ना हो कि यार ये फिर डर जाएं। तो दोस्तों यही दिन है, अगर इस दिनों में अगर ये डर गए हमारे मुर्गे तो फिर आगे ना ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, डर डर के ही जियेंगे। तो इसलिए अभी क्या करना है, अभी सिर्फ इनको ही खोलना है, बाकी को नहीं खोलना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। अभी क्या होगा कि हमारे आई बार ये यहाँ पर फेरेंगे ना, तो कल से इनको ऊपर शिफ्ट कर देंगे अलहदा, ताकि दोस्तों ये ऊपर ही रहें अलहदा, सबसे सेपरेट रहें, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तब ये अच्छे से अजाने भी देने लग जाएंगे और इन ये किसी से डरेंगे भी नहीं ठीक है, क्योंकि दूसरे मुर्गे नहीं ना देखेंगे फिर ये डरेंगे भी नहीं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपने देख लिए, आपने बताना मुझे लाजमी आपको ये बर्ड कैसे लगे हैं। माशाल्लाह से दोनों मुर्गे बने हैं ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो उस केज में हमारे कौन कौन से बर्ड हैं, कौन सा न्यू मुर्गा हमारा उस केज के अंदर आया माशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अरे चलो आज यार बाहर निकला, बाहर निकले देते हैं, ये देखिए माशाल्लाह ये मुर्गा दोस्तों हमारे सेटअप पर न्यू आया, ये वाला मुर्गा। दूसरा मुर्गा दोस्तों जो था वो हमारा चला गया, और ये मुर्गा अभी हमारे सेटअप पर आया माशाल्लाह, अभी क्रीज में है, मतलब कि इसने पर झड़े हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों इसके न्यू पर आ जाएंगे, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी देखें इसके काम देखें, अभी इसने ये करना था इसलिए मैंने ना निकाल नहीं रहा था इनको ना, कि फिर इसने को मारना है, इनको फिर बंद करते हैं। चलो भाई अंदर चलो, इनको बंद कर देते हैं यार, चलो 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 चलो, इनको दोस्तों मैंने बंद कर दिया ठीक है, ये अंदर बंद ही रहेंगे, ये आपको पता फिर इस मुर्गे ने पीछे लग जाना है, फिर इसने साहब को करना है। तो ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुर्गा माशाल्लाह से, देखिए ये भी है, ये हमारा ब्रीडर है आज से दोस्तों, न्यू ब्रीडर हमारा। अभी दोस्तों फुल क्रीज में है, अभी इसने पर निकालने हैं, बहुत से पर इसके टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेल मुर्गा ठीक है। अभी इसकी गर्दन से दोस्तों बहुत सारे पर आना है, गुंजराले बाल नहीं होते, वो जैसे बनाता है वैसे इसने बनाने हैं, और बाकी भी इसने पूंछ भी पूरी करनी है। तो फिर माशाल्लाह जब क्रीज फुल कर लेगा ना, उसके बाद दोस्तों बहुत प्यारा लगेगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी इतना प्यारा नहीं लग रहा, अभी आप कैमरे में देख के मुझे बताइएगा आपको ये मुर्गा कैसा लगा माशाल्लाह से। लेकिन इसकी एक बहुत बुरी आदत है दोस्तों, पता क्या, ये खाने के टाइम ना कुछ चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, ये मुर्गियों को भी नहीं पास आने देता, उनको ही मारता है। और हमारी मुर्गा और ये चूजा भी माशाल्लाह ठीक है, देखिए साथ साथ ही फिर रहे होते हैं, पहले वाला मुर्गा लगा हुआ था इसके साथ, अब वो चला गया, अब आ गया ये मुर्गा ठीक है। अब देखते हैं ये कब तक इनके साथ अपना पेयर बनाता है, लेकिन खाने के टाइम ना दोस्तों ये साथ नहीं होता, खाने के टाइम ना ये मारता ही रहता है इनको कि भाई मुझे खाने के टाइम ना डिस्टर्ब ना करो, तो ये इसकी ना बहुत बुरी आदत है दोस्तों। ये था हमारा मुर्गा नंबर 3, दो मैंने आपको पहले दिखाए, ये दोस्तों हमारे सेटअप पर आए थे बहुत अच्छे बाद, तीसरा मुर्गा ये है दोस्तों, और दो हमारे यहाँ पर है, मतलब हमारा पेड़। एक मुर्गी आपने देखी है पहले, मुर्गा आपने नहीं देखा हुआ, मुर्गा मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, ये दोस्तों सबसे अच्छा मुर्गा, ये मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से, आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये आपको कैसा लगा। ये दोस्तों मुर्गी है, ये उस दिन आपने देख ली थी, ये दोस्तों इसको वापस कर देना है, क्योंकि अभी ये किसी मुर्गे के साथ पेयर नहीं बनाएगी, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके सारे बाल झड़े हुए हैं ठीक है। अभी इसको मैंने ना बाकी मुर्गी के साथ बंद किया था, तो इस मुर्गियों ने ना बहुत मारा था इसको, फिर मैंने इसको इधर बंद किया, और अभी ये इसको पेयर नहीं बनाएगी क्योंकि इसके पर पूरे नहीं, जब ये पर पूरे करेगी ना फिर ये पेयर बनाएगी। अभी इसको वापस कर देना क्योंकि अभी महीना इसको लग जाना है। बाकी हमारा मुर्गा भी अभी क्रीज में है ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मौसम में क्रीज वाला। एक मुर्गा ये है माशाल्लाह से, देखें अभी पूरा क्रीज में है, पूंछ भी आनी है, साइड वाले पर भी आने हैं, गर्दन के पर भी आने हैं, तो उसके बाद जाके दोस्तों ये ठीक होगा। अभी देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी नस्ल का मुर्गा, बहुत ही दोस्तों जो नायाब होता है ना नायाब मुर्गा, ये वो मुर्गा ठीक है।
इंशाल्लाह जब दोस्तों ये क्रीज अपनी पूरी करेगा ना, उसके बाद जो इसका रुख बन के आएगा वो आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इतना अच्छा मुर्गा दोस्तों, इस टाइम मुझे तो पता लग रहा है दोस्तों ये कैसा मुर्गा है। आपको भी कैमरे में नज़र आ ही रहा होगा, इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा जितना मैं अच्छे से देख रहा हूँ। बाकी दोस्तों एक साल का मुर्गा देखें, छोटे छोटे कील हैं इसके और थोड़ी सी हल्की सी ना खड़ी दुम में है, ठीक है। अभी तो ये दुम पूरी करेगा ना, उसके बाद ही पता लगेगा। और चीना मुर्गा अभी तो उसके फुल पर नहीं है, ठीक है। माशाल्लाह आँख इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत ही प्यारा फेस इसने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा मुर्गा है, ठीक है। इसको भी बाहर निकाला क्योंकि ये बहुत लड़ाई का बहुत तेज़ है मुर्गा। एक दफ़ा देख लेना फिर ये कहता है भाई मुझे छोड़ दो बस, मैं ये ऐसा मुर्गा बहुत स्पीड मुर्गा है। तो इसको बाहर नहीं निकालना, इसको बंद करते हैं क्योंकि हमारे दूसरा मुर्गा ऑलरेडी बाहर निकला था ब्रीडर, ठीक है। तो ये इसको, ये मुर्गा बहुत तेज़ है, इसको भी मैंने निकालना है ना। इसने ये नहीं कहना कि यहाँ पे खड़े होकर ना पहले मैं साइड मारूँ, क्योंकि दोस्तों जब मुर्गे लड़ते हैं ना वो पहले दूर से खड़े होकर साइड मार लेते हैं कि भाई लड़ने की पोजीशन में आए थे, लेकिन ये वैसे नहीं करता। इसको खोलना उसने बस स्पीड में आना है, यहाँ से निकलना ना इसने स्पीड से आना, फ़ौरन ना इसको पड़ जाना है। ये ऐसा मुर्गा, ठीक है, इसलिए मैं इसको खोल नहीं रहा, इसको मैं अलहदा ही खोलता हूँ। जब ये मुर्गे बंद करता हूँ ना फिर ये खोलता हूँ, लेकिन उनको खोलना दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि वो ब्रीडर है, उन्होंने ब्रीड करनी होती है दोस्तों, इसलिए उनको जल्द जल्द पेड़ लग जाए तो वह बहुत अच्छी बात है। और उसको अभी तक निकालना भी नहीं है ना, पकड़ भी नहीं सकता इसको, क्योंकि दोस्तों ये अभी सारा क्रीज में है, ये ना उसके जो पर आ रहे हैं वो भी टूट जाएँ, इसलिए दोस्तों मैं कौन सा है इसको नहीं पकड़ूँगा अभी। हमारे ना उन मुर्गों के ना मैं आपको मस्ती दिखाता हूँ, देखें मस्ती, देखें इनकी मस्ती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं इस मुर्गी के साथ, ठीक है। और ये इन्होंने कर करके ना उस दिन जो जाली मैंने मिट्टी के अंदर दी थी ना, इन्होंने वो फिर निकाल दी, देख रहे हैं ये इनके काम है। अभी ये फिर दोबारा सेट करनी पड़नी है यहाँ से भी और उस साइड से भी, ताकि दोस्तों ये दोबारा ऐसा ना कर पाए। और मुर्गे हमारे आज ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और ये कौन सी मुर्गी है, ये आज हमारे सेटअप से चली जाएगी, मुर्गा हमारा अकेले ही हो क्योंकि अभी क्रीज करेगा, ठीक है, मुर्गी चली जाएगी। अभी दोस्तों हमने न्यू सेटअप ही बनाना है, ठीक है, उसके लिए भी अभी ईंटें लेके आनी है, अभी वही ईंटें पड़ी हैं जो पहले वाली पड़ी हैं, वहाँ पर न्यू सेटअप बनाना है। और न्यू बर्ड्स भी लेके आने हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अब बस अभी हमें इनका वेट है कि ये कब अपना पेयर बनाएंगी उस मुर्गे के साथ। इसको ना उधर करते कि भाई मुर्गे के साथ साथ रखो, मुर्गा हमारा डॉन सा है इसे कोई पता नहीं होता। चलो 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 भाई उधर, अब जल्दी जल्दी यार ये मुर्गे का पेयर बना लेना, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मुर्गा भी हमारा क्यों है कि खा पी रहा है ना, खाने पीने के मामले में ये कंप्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। मैं आपको ना इसको पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह ये मुर्गा देखें, ब्रीडर मुर्गा है, अभी फुल क्रीज में है, पूरी पूंछ लानी है इसने, पूरी गर्दन के पल भी अभी टूटे हुए हैं इसके, तो बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत जल्द दोस्तों ठीक हो जाएगा, पहले वाले सेटअप से चले गए हैं। बाकी हमारे ये बर्ड इंशाल्लाह ताला जब मुर्गियाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द पेयर बना लेंगी, ठीक है। अभी दोस्तों इनको यार चंडी कवर लेके आना है, वरना इनके ना पाँव पे चंडी पड़ जानी है, तो ये ना बहुत मुझे देखे ना, अभी इन्होंने यहीं से लेने लगे, जब बाहर निकलेंगे फिर क्या करेंगे, इसलिए दोस्तों इनको ना मैं साइड पर करूँ। चलो चलो ओ भाई इधर चलो, चलो 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 दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपको कौन सा मुर्गा अच्छा लगा इन सब में से। बारी बारी मैंने आपको तकरीबन चार मुर्गे दिखाए हैं, तो आपने मुझे बताना है कि चारों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि यार मेरे मुर्गे किस किस को पसंद आएंगे। क्योंकि हमारे सेटअप पर मुर्गे पहले बहुत ज़्यादा कम थे, अब दोस्तों माशाल्लाह से हमारे केज माशाल्लाह फुल हो चुके हैं, अभी मुर्गे हमारे सेटअप पर अब कम नहीं है, ठीक है। मुर्गियाँ कम है, मुर्गियाँ दो ही हैं, लेकिन आपने मुझे लाजमी बताना है आपको कौन सा मुर्गा अच्छा लगा था कि मुझे पता लगे कि मेरा कौन सा मुर्गा सबसे अच्छा और आप सबको पसंद है। दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मुझे वीडियो भेजी आसानी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।